आज के इस खुशियों भरी खूबसूरत सी सभा को बुलाने वाले डॉक्टर अधीर साहब, चेयरमैन शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, यहाँ के चीफ गेस्ट श्री डॉक्टर पट्टदेवरु स्वामी जी, चेयरमैन गुरुकुल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, और श्री जाप शेट्टी, बसवराज जाप शेट्टी सर, चेयरमैन केआरई सोसाइटी बीदर, डॉक्टर पूर्णिमा जाट, चेयरमैन ज्ञान सुधा विद्यालय, और श्री रजनेश वाली जी, एचके सोसाइटी के जिम्मेदार, और यहाँ मौजूद मेरे डियर और नियर प्रेस के भाइयों, सबके खिदमत में मेरी जानिब से आदाब और सलाम अर्ज है। जैसा कि हम सब जानते हैं, इधर आज़ादी के बाद से ये एक पसमानदा बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट रहा, और यहाँ बैकवर्ड होने की वजह से इसको एक्सेप्ट करते हुए स्पेशल स्टेटस कल्याण कर्नाटक को आर्टिकल 371J के तहत दिया गया। उसके खिलाफ भी कुछ चिंगारी लगी थी, तो बीदर में एक स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट के जरिए उसको दबाने की कोशिश की गई। असल बात यह है कि आज timesofindia.com ने नीट वाला NTA ने जब डिस्ट्रिक्ट वाइज रिजल्ट्स दिया, तो मंगलूर के रिपोर्टर ने ये खुशखबरी हमें बताई कि बेंगलुरु मंगलूर के बाद बीदर नीट में कर्नाटक में थर्ड प्लेस पे। तो इस बैकग्राउंड में, जबकि वहाँ की थर्ड जनरेशन पढ़ रही है, फोर्थ जनरेशन पढ़ रही है, और हमारी फर्स्ट जनरेशन पढ़ रही है, तो ये फर्स्ट जनरेशन पढ़ रही है, तो हम थर्ड प्लेस पर आ रहे हैं। हमारी जब सेकंड और थर्ड जनरेशन पढ़ने लगेगी, तो हम कर्नाटक में फर्स्ट प्लेस पर रहेंगे। दूसरी चीज ये कि आज भी इस फैक्ट्स एंड फिगर्स और हकीकत को मानना पड़ेगा कि जिस तरह डीके डिस्ट्रिक्ट और उडपी डिस्ट्रिक्ट हमेशा SSLC और PUC में फर्स्ट प्लेस पर रहते हैं, इसी तरह बीदर और यादगिर 30 प्लेस के ऊपर ही होते हैं। आउट ऑफ 35 डिस्ट्रिक्ट 33 प्लेस पर आया है बीदर SSLC, और PUC सेकेंड ईयर में 19 प्लेस पर आया है आउट ऑफ 30 डिस्ट्रिक्ट। सवाल यह है कि ये जो 35% बच्चा फेल हो रहा है, वो बच्चे का क्या होगा? इस पर गवर्नमेंट ने एक साल पहले ये डिसीजन लिया कि डिग्री कोर्सेस में बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर हैं और वो खाली पड़े हुए हैं, वहाँ पर बच्चों के एडमिशन्स नहीं हैं, लेक्चरर्स की फैकल्टीज की टीम है, करोड़ रुपये उनके पेमेंट हैं, लेकिन बच्चा नहीं है, तो वो बच्चा कहाँ से जाएगा और कहाँ से आएगा? जब वो प्री यूनिवर्सिटी कोर्स पास करेगा तो ही यूनिवर्सिटी में जाएगा। तो इसके लिए एक बड़ा अहम डिसीजन स्टेट गवर्नमेंट ने लिया है कि Exam 1, Exam 2 और Exam 3 होंगे, ताकि बच्चे किसी तरह पास हो जाएं और किसी भी डिग्री को करने के लिए वो Exam 1 से अगर क्लियर नहीं हुए तो Exam 2 से क्लियर हो, उसमें भी कुछ रह जाए तो Exam 3 से क्लियर हो। तो इस लेवल पर काम हो रहा है,
ऐसे बसे इस बैकग्राउंड में कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बीदर का थर्ड आना, ये हम सब के लिए बहुत बहुत खुशी की बात है, जिस पर मैं सारे बीदर के लोगों को मुबारकबाद देता हूँ, ख़ास तौर से एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के जिम्मेदारों को। और ये बात अपनी जगह सच है कि नीट के इसमें थर्ड प्लेस पर आने में हमारे खदीर भैया का, डॉक्टर अब्दुल खदीर साहब का बड़ा योगदान है, उन्हें स्पेशल हमारी तरफ से सलाम। साथ साथ हम सब का भी है, लेकिन हमारा कंट्रीब्यूशन हमारी स्ट्रेंथ के लिहाज से है। आप देखिए, मोर देन 20 लाख स्टूडेंट्स नीट में अपीयर होता है, और ओवरऑल टोटल नंबर ऑफ सीट इंक्लूडिंग गवर्नमेंट प्राइवेट पेमेंट एंड मैनेजमेंट 1,09,000 ही है पूरे इंडिया में। और उसमें खुशी की बात यह है कि कर्नाटक में अबाउट 10,000, और उसमें और हमारे लिए खुशी की बात यह है कि कल्याण कर्नाटक में मोर देन 1,000। और यहां पर आर्टिकल 371J के रिजर्वेशन के सपोर्ट से कुछ कम नंबर से भी बच्चों को यहां पर एडमिशन मिल रहा है, यह हमारे लिए बहुत एक अचीवमेंट की बात है। एक दो तीन बातें और रखना चाहूंगा। हमारे जैसे जो कॉलेजेस हैं उसमें हो ये रहा है कि बच्चे को इंटरेस्ट नहीं है, हम इंटरेस्ट लेकर पढ़ाना पड़ रहा है, यानी वो एक्चुअल एस्पिरेंट्स नहीं है। एक्चुअल एस्पिरेंट्स दूसरी तरफ जाता है, हम उसको इंटरेस्ट हम लेना है और उसको एस्पिरेंट बनाकर पढ़ाना है। तो ऐसे इसमें हम पढ़ा रहे हैं, लेकिन जो रेशो अचीवमेंट का आना चाहिए 5% का रेशो, 5-6%, 8% रेशो हम अचीव कर रहे हैं, क्योंकि कितने भी बच्चे बैठो 5% सीट ही है और क्लासरूम से 5% बच्चा ही जाता है। इसमें कोटा से हर 3 में का 1 बच्चा जाता है, लेकिन अब कोटा बिहार हरियाणा में नीट के ताल्लुक से जो कुछ गलत काम हुए हैं, मैं आज की सभा में उस नीट के ताल्लुक से जो चीटिंग्स हुए हैं, पेपर लीक के कुछ इंसिडेंट हुए हैं जो सामने आए हैं, उसकी कड़ी निंदा करता हूँ। और इस पर जो बच्चों को नेगेटिव इफेक्ट पड़ा है उसकी भी मैं निंदा करता हूँ, और इसकी जिम्मेदारी पूरी की पूरी NTA को और सेंट्रल गवर्नमेंट को कबूल करना चाहिए और आइंदा इस तरह के वाकयात ना हो। इसके लिए तमिलनाडु ने 5-8 स्टेट्स को लेटर लिखा है कि हम नीट को डिसेंट्रलाइज करने का डिमांड करते हैं, और उन्होंने रेजुलेशन भी लिया है, और यहाँ कर्नाटक सरकार भी इस पर सोच रही है कि इसको सेंट्रल लेवल के बजाय डिसेंट्रलाइज किया जाए। पहले जैसे KE के थ्रू, CET के थ्रू दिया जाता था, वैसे ही हर स्टेट को जिम्मेदारी दी जाए और वो स्टेट एग्जाम ले और रैंकिंग पर एडमिशन हो। इससे पेपर लीक और जो घोटाले सामने आ रहे हैं, पता नहीं कब से हो रहे होंगे, जिसमें बड़े बड़े एलन जैसे इंस्टीट्यूट का तक नाम है जिसके लिए लाइन लगती है, हाँ, तो ये सब चीज़ें शक की दायरे में आए हैं। इसलिए सरकार को चाहिए कि नीट को डिसेंट्रलाइज करे और स्टेट को इसकी जिम्मेदारी दे। यहाँ एक और खुशी की बात यह है, मैं ये कहना चाहूँगा, नीट का हमें भी 10 साल तजुर्बा है, 125 MBBS डॉक्टर और 300 से जायद BDS, BAMS और BHMS, इस तरह के दीगर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिकल के हमने भी बनाए हैं, और इस साल का रिजल्ट हर साल से अच्छा है। 600 से अधिक 4 बच्चों ने
हमारे पास भी स्कोर किया है। अब की बार 10 बच्चे फ्री सीट मेडिकल की लेंगे और 20 बच्चे फ्री बीएएमएस बीडीएस में जाएंगे और 100 बच्चे क्वालिफाई हुए। ये 100 बच्चे क्वालिफाई मैं इसलिए बता रहा हूँ कि यहाँ पर पेइंग कैपेसिटी बहुत कम है। रोते रोते नीट पढ़ाते हैं, उसकी कोचिंग के पैसे ही आधे देते हैं, जबकि खर्चा ज्यादा होता है। नाम के लिए कंपटीशन में रहने के लिए नीट पढ़ा रहे हैं, जिसमें पढ़ाने वाले और पढ़ने वाले को फायदा है। हमारे पास इंस्टीट्यूट को कुछ भी मादी फायदा मटेरियल बेनिफिट नहीं है। 1 लाख प्लस 1.5 लाख रुपए तक तनख्वाहें दे रहे हैं, फूड एकोमोडेशन फ्री दे रहे हैं, क्लासरूम में 30 बच्चे हैं, कोई क्लास में 20 बच्चे हैं। ये मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि 100 बच्चा क्वालिफाई हो रहा है, जब 10 बच्चा फ्री सीट ले रहा है और 20 बच्चा प्राइवेट पेमेंट में ले सकता है। 100 बच्चा क्वालिफाई होने का मतलब है कि उन या तो प्राइवेट पेमेंट में सीट ले सकता है या फुल पेमेंट में ले सकता है। लेकिन इधर के लोग पैसा, जैसा कि डॉक्टर अब्दुल खदीर साहब ने कहा, शादियों पे, कपड़ों पे, प्रॉपर्टियों पे पैसा बहुत डालते हैं, बच्चों की पढ़ाई पर पैसा देकर पढ़ाते हैं। इक्का दुक्का कोई होंगे तो होंगे, लेकिन बहुत कम लोग हैं जो समझते हैं कि हमारा बच्चा जंग हार गया और हम नहीं पढ़ेंगे इतना पैसा दे। तो ये सोच भी यहाँ पर है, जबकि 40% सीट ही फ्री सीट हैं और 40% सीट प्राइवेट पेमेंट सीट है प्राइवेट कॉलेजेस में, और 20% सीट मैनेजमेंट सीट और एनआरआई सीट है। जो एनआरआई सीट कन्वर्ट हो जाते हैं मैनेजमेंट सीट में, तो 20% फुल पेमेंट सीट है, तो 60% पेमेंट सीट है, जबकि 40% फ्री पेमेंट सीट है। इसका एक फायदा यह रहा है, भले बच्चा 90% बच्चा मेडिकल को नहीं जा रहा, फ्री सीट नहीं ले रहा, लेकिन दूसरा जो बड़ा फायदा उसे यह हो रहा है कि कॉम्पिटिटिव स्प्रिट उसके अंदर आ रही है और वह दूसरे कोर्सेस पे दाखिला लेकर बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो कॉम्पिटिटिव नीट कोचिंग से डायरेक्ट फायदा तो है कि उसे एमबीबीएस में मिल जाए, अगर उसकी फैमिली पेमेंट कर सकती है तो प्राइवेट पेमेंट मामूली है, 10 लाख 12 लाख है पर ईयर, वो देकर कर ले। अगर वो भी नहीं कर सकता तो वो कौन सा भी अगर कोर्स करे तो टॉप करेगा। इसकी दो मिसालें हमारे पास आई। पहली मिसाल ट्रिपल ई में एक बच्ची वीटीयू को टॉप की है, पूरे वीटीयू को टॉप की है, एमएस समरीन कौशल ट्रिपल ई में 2 साल पहले जीएनडी से, और एक बच्चा जियाउल हसन, आप हैरत करेंगे, वो पीजी आईआईटी को सिलेक्ट हो गया, दिल्ली आईआईटी। तो उस बीदर के बच्चे को जो कुलसुम गली का रहने वाला है, एलएनटी ने स्पॉन्सर कर लिया, कहा कि तुम्हें आज से हम स्पॉन्सर करते हैं, ये 2 साल का तुम एमटेक आईआईटी कोर्स दिल्ली से कर जब आ जाएंगे तो हमारे तुम स्पेशल तुम्हारे लिए प्लेसमेंट है हमारे पास, और अभी से तुमको हम ताहयात स्पॉन्सर कर लेते हैं। ये है, और इस तरह की और भी मिसालें हैं। यहाँ मैं बात को समेटते हुए ये बात याद दिलाना चाहूंगा कि बीदर में प्राइमरी एजुकेशन और अच्छा होना चाहिए। स्कूलों की बिल्डिंगें जैसे अच्छी हो रही है, वैसे प्राइमरी एजुकेशन अच्छा होना, उसके नापने का पैरामीटर पहले 10th और पीयूसी था, अब स्टेट गवर्नमेंट ने एनईपी के तहत उससे पहले 4 पैरामीटर लगा दिए, 3 पैरामीटर, 5th का बोर्ड एग्जाम होगा, 8th का बोर्ड एग्जाम होगा, 9th का बोर्ड एग्जाम, तो इससे भी फायदा हो रहा है। पेपर यूनिफॉर्म आ रहा है, एग्जाम लेने वाले रिशफल हो रहे हैं, थोड़ा डर कर क्लासरूम सुधर रहे हैं। यहाँ बेसिक साइंसेस की तरफ भी हमारी तवज्जो कम है, जैसे बीएससी एमएससी कर लेने के बाद साइंस पढ़ाने वाले टीचर बहुत कम मिल रहे हैं, हमें आंध्रा से बुलाना पड़ रहा है और उसमें भी बहुत देख कर लेना पड़ता है।
तो इसके लिए मुझे याद आ रहे हैं इसरो के वाइस प्रेसिडेंट एक्स प्रेसिडेंट डॉक्टर कत्तूरी रंजन जी, जिन्हें यूनिपी डिजाइन करने के लिए भी रखा गया था। वो पीएम के साइंस एडवाइजर भी रहे। उन्होंने पीएम से कहा था कि पीएम साहब, हमारे बच्चों को बेसिक साइंसेस पढ़ाने के लिए आप इस पर भी तवज्जो दें। यहाँ एक और बात जो चेंज आया है, समाज में भी तब्दीली आई। अब अपॉर्चुनिटीज पैदा हो रही हैं तो पढ़ रही हैं। खास तौर से यहाँ बीदर में ओल्ड सिटी का एक पहचान था कि कम पढ़े लिखे लोग होते हैं, वहाँ के लोग भी, गरीब लोग भी पढ़ने लगे और उसमें स्पेशली गर्ल्स पढ़ने लगे। अभी आप वो टाइम्स ऑफ इंडिया .com की रिपोर्ट पढ़ेंगे तो उसमें ये जिक्र है कि बीदर हब बनता जा रहा है एजुकेशन का और रिजर्वर बन रहा है गर्ल्स के लिए। यानी एक महफूज माहौल में, प्रोटेक्शन में कंपेयर टू अदर सिटीज, गर्ल्स यहाँ पर आला तालीम, नीट की तालीम पढ़ने के लिए बीदर को प्रिफर करेगी। यहाँ अर्बन कल्चर अभी नहीं आया है जिससे बच्चों के अटेंशन डाइवर्ट्स नहीं हो रहे हैं, उनका फोकस अपने टारगेट और तालीम पर हो रहा है। मैं इसके साथ साथ ये भी कहना चाहूँगा, ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए हमें नीट के साथ साथ, मैं मुबारकबाद दूंगा सैनिक कॉलेज स्कूल का जो आपने शुरुआत की है, मैं एक रिंग कमांडर को एयरफोर्स के बुलाया था बच्चों के मोटिवेशन के लिए। उन्होंने एक ऐसी बात कही जो मुझे बहुत अच्छी लगी। वो कलकत्ते का रहने वाले थे, उन्होंने कहा नीट का क्वेश्चन मालूम नहीं रहता, पढ़ना पड़ता है बहुत, आपको इतनी मेहनत आप कर रहे हैं फिर भी 5% बच्चे जा रहे हैं, जबकि डिफेंस एकेडमी के पूरे क्वेश्चन मालूम रहते, नोन रहते क्या क्वेश्चन आएगा, प्रैक्टिकल क्या होगा, प्रैक्टिस कैसे करना। और ये आपको 12th के साथ ही ले लेते हैं। और इसकी एकेडमी पुणे में है, कलकत्ते में है और प्लेसमेंट आपको गारंटी है। और हमारे यहाँ के गए हुए दी हिंदू के पत्रकार ऋषिकेश देसाई को मैं एक दिन बुलाया था, तो उन्होंने कहा कि सर आप इतनी मेहनत कर रहे हैं रात दिन, अचीवमेंट क्या आ रहा है, खर्चा क्या हो रहा है, कभी आप बजटिंग करते भी हैं कि नहीं। तो उन्होंने कहा कि हमारे से लगकर एयरफोर्स है जिसमें 60 बच्चे उस जमाने में, 10-12 साल पहले की बात है, हावक ट्रेनिंग सेंटर, हॉक ट्रेनिंग सेंटर यहाँ पर कायम हुआ। तो उन्होंने कहा कि वो बच्चे जस्ट 12th पढ़े हुए और 60 बच्चा यहाँ पर फील्ड में है जिसमें से एक बच्चा भी बीदर का है। मैं वेटरनरी यूनिवर्सिटी में एक प्रोग्राम को गया तो वहां पर 18 गोल्ड मेडल लेने वाला एक ड्राइवर का बच्चा है जो धारवाड़ का। तो कहने का मतलब यह है, बगल में एयरफोर्स है, इधर बगल में वेटरनरी यूनिवर्सिटी है, यहाँ एक भी बच्चा बीदर का नहीं, वहां 5% बच्चे बीदर के। तो ये सब अपॉर्चुनिटीज हैं, इसके लिए भी कोशिशें होना जरूरी है और इसके लिए भी बच्चों के इंट्रीज होना जरूरी है। आज समाज में सुधार आना बोले तो 5-6 फील्ड से आ सकता है। सबसे पहले समाज को अफेक्ट कर रहा है मीडिया, मास कम्युनिकेशन और मीडिया में तैयार करने के लिए भी हमारे पास होना चाहिए, अच्छे लैब और एडुकेट होना चाहिए। बेंगलुरु से 5-25 लाख रुपए फीस देकर यहाँ बुलाया जा रहा है कोई इम्पोर्टेंट केस हो। हमें अच्छे एजुकेशनिस्ट होना चाहिए, हम एजुकेशनिस्ट नहीं हैं, हम एजुकेशन एक्टिविस्ट हैं। हम एजुकेशनिस्ट जो ये सब चीज़ें दे, बताए किस चीज़ की कमी है, किस चीज़ को पूरा करना चाहिए, कैसा करना चाहिए,
फिर केपीएससी और यूपीएससी पर हमारा फोकस होना चाहिए। कोई हिस्टोरियन नहीं है, वीदर हिस्टोरिकल प्लेस है, लेकिन हिस्टोरियन यहाँ पैदा ही नहीं हो रहे। कोई अच्छे कॉलेज से हिस्ट्री करने तैयार नहीं है, अच्छा कॉलेज है ही नहीं यहाँ पे, जैन ये बने हुआ है, कुछ पढ़ने नहीं आता तो बीए करो। जबकि पीयूसी का रिजल्ट सबसे कम आता है आर्ट्स में, क्यों आता है? वहाँ लैंग्वेज अच्छी होना पड़ता है। अर्बन कल्चर रूरल कल्चर में हम डिफरेंस करने आए, उसे लिखने नहीं आता तो क्या डिफरेंस करेगा। और 2+2=4 का रिजल्ट सबसे अच्छा है, 81% वो है, 60% आर्ट्स का है, उसके बाद कॉमर्स का है। तो बीदर के बच्चे राहुल सिंधे आईएएस किए, वो भी 10th के बाद जाकर बाहर पढ़े। ओल्ड सिटी के एक घर के बच्चे एक आईपीएस और एक आईएएस करे, नदीम और हारिस, वो भी 10th के बाद जाकर बाहर पढ़े। तो कहने का मतलब ये है कि बच्चों को, हर बच्चा बकरियों की तरह हो गया है, पेरेंट बकरियों की तरह हो गए, नीट 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 पूरे नीट 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 नीट। ठीक है, जो नीट पढ़ सकता है पढ़े। आखिरी बात मैं जो कहना चाह रहा हूँ, हम सब मिलकर एक रिसर्च सेंटर, काउंसलिंग सेंटर भी बनाए। 10th के बाद बच्चा क्या पढ़े, कौन सी स्ट्रीम में जाए, 12th के बाद कौन सी स्ट्रीम में जाए, उसका एप्टीट्यूड टेस्ट लिया जाए और उसकी काउंसलिंग की जाए। काउंसलिंग और एप्टीट्यूड टेस्ट में कैपेसिटी टेस्ट और इंटरेस्ट टेस्ट दोनों होता है। ये दोनों को देखकर वो जिस तरह ब्लड रिपोर्ट आती है, वैसे काउंसलर्स ब्लड रिपोर्ट देते हैं। मैंने काउंसलिंग कराया है कुछ बच्चों, बेंगलोर की एकेडमी, हैदराबाद की एकेडमी, 1,500-2,000 रुपये एक एक बच्चे को लेते हैं। अगर हम ग्रुप में करें तो 500-300 रुपये में वो करते हैं, यहाँ आकर करते हैं। उससे पेरेंट को भी फायदा होगा, बच्चे को भी फायदा होगा और वो अपने फील्ड में मास्टर बनकर निकलेगा। मैं फिर एक मरतबा डॉक्टर अब्दुल खदीर साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हमें यहाँ दावत दी, और आप तमाम गेस्ट का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, ख़ास तौर से प्रेस पर्सन मेरे भाइयों का शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू, बनना। बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी की बात होगी।